वालेकुम सर। हाँ, कौन? कौन? मैं मोहम्मद बिलाल बोल रहा हूँ। आप कौन? हाँ भाई, आपकी मिस कॉल आई थी। मैं अफू खान बोल रहा हूँ। आओ अफू खान। क्या भाई, फोन क्यों नहीं उठाता? अरे भाई, नमाज पढ़ रहा था, बिजी था। आप कौन? मैं कर्नाटक से मोहम्मद बिलाल बोल रहा हूँ। इतना फोन कर करके बस हो गया, इतना थक गया मैं। भाई आप हदीसों के बारे में इतना झाड़ते हो, इतना बोलते हो, आपको हदीस पढ़नी आती है क्या? आपको हदीस पढ़ने ठीक से नहीं आती? आपको मौजू हदीस मालूम नहीं है, ज़ईफ़ हदीस मालूम नहीं है? आपको क्या अल्हम्दुलिल्लाह, ही नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ भाई, मैं पानी पी रहा था, बताइए क्या कह रहे थे। हदीस पढ़ना नहीं आपको आता? हद अच्छा, हाँ आपको आता है पढ़ना? अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आता है हदीस। अच्छा तो क्या मतलब आपको पहले तो हदीस? सिखाऊंगा। अच्छा, आप मतलब भाई अहले हदीस को, भाई वो हदीसों के बारे में आप बताएंगे? हैं हाँ आप आप नाम कौन क्या बोल रहे हदीस हैं? देखो। हाँ ये वो बिलाल बोल रहे हैं, कर्नाटक से। बिलाल बिलाल। आप कौन है भाई? बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, कादियानी हैं, कौन है आप? देवबंदी है। अच्छा, देवबंदी मतलब अब ये दिन आ गए हैं कि एक देवबंदी जो मतलब भाई हनफी मुकल्लिद है, वो अहले हदीसों को जो हदीस के उसूल हैं भाई वो मतलब बताएगा, सिखाएगा, ऐसा कुछ? हाँ आपको इतने उसूल मालूम है तो हदीसों में कितने उसूल है ये बताइए ना। अरे हदीसों के आपको उसूल तो पता है मेरे वो भाई बहुत उसूल? सारे हैं, मुहद्दिसीन ने जो बनाए हैं तो बहुत सारे उसूल वही हैं। तो, आपके खुद के हदीस उसूल बनाते हैं। अरे मेरे भाई, हदीसों के और उसूल तो हम जैसे आपको बता देंगे। आपको आपके जो ये हनफियत है, हनफिया का उसूल आपको मालूम है? हनफी है, हनफी को उसूल नहीं मालूम होगा क्या? अच्छा, हनफी है तो आपके उसूल क्या है, बताइए जरा भाई। देखिए, मैंने आप भाई हैं फोन हनफी किया। अच्छा मुकल्लिद, आप हमें बताएंगे भाई ये जो हनफियों के उसूल हैं, आप हमें हनफियों के उसूल बता दीजिए। हम अलहम्दुलिल्लाह भाई अहले सुन्नत वल जमात असाबुल हदीस के एक छोटे से तालिबे इल्म हैं, हम आपको भाई हदीसों के उसूल बता देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? मैं पहले फोन किया था हदीसों के उसूल जानने के लिए। अफू खान कैसा बोलता है देखेंगे। भाई अफू खान कैसा बोलता है भाई? जैसे इंसान बोलते हैं भाई, जबान से वैसे बोलता हूँ। लोगों को पता चल जाएगा ना। और खाली हक पे आप तो भाई हदीसों अहले के नाम हदीस से। तो हाँ हक पे है मेरे भाई, ये तो तमाम मुहद्दिसीन ने कह दिया है कि एक गिरोह हमेशा वो हक पे रहेगा जिसका कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और वो गिरोह कौन है? वो असाबुल हदीस है, अहले हदीस है। खैर चलिए भाई, अगर आप बताइए उसूल भाई भाई हम उसूल आपको बता रहे हैं। उसूल। देखिए, बहस अगर बहस की नीयत से फोन किया है तो आराम से मेरे को भाई शाम को फोन कीजिएगा, और अगर समझने के लिए फोन किया है तो मेरे पास थोड़ा टाइम है, मैं आपको आपके हनफियों के भी उसूल बता देता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह जो हदीसों के उसूल हैं वो भी बता देता हूँ। और आप शायद मेरी बताइए आदत हदीसों जानते के नहीं उसूल है, जब मैं बताइए एक सिर्फ। बार बोलना स्टार्ट करता हूँ तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूँ। नहीं पूरा वक्त दूंगा, आप हदीसों के उसूल बताइए सही तरीके से। हाँ जिस तरह मौजी सिंह ने बताया उस वो उसूल, ये अली हदीसों का उसूल नहीं। अच्छा, ठीक है ठीक है, चलिए आपको बता दे रहे हैं। ठीक है भाई, फिकह हाँ हनफी की जो उसूल है, पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। तो भाई, क्योंकि हाँ आप हनफी मुकल्लिद हैं तो अपने भी उसूल भाई आप हमें जान लीजिए, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे उसूल हैं तो उसको पता भी है आप ना जान हनफियों के लीजिए। उसूल। फिर फैसला आपके ऊपर रहेगा कि आप अपने मतलब ये हनफियों के जो ये मतलब जो बेकार घटिया उसूल हैं आप उनको अपनाएंगे, या अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात असाबुल हदीस के जो सुनहरे उसूल हैं आप उनके ऊपर अमल करेंगे। तो हनफियों का जो उसूल है, उसूल एक घर की जो उसूले फिका हनफिया में सबसे पहली किताब है, उसके सफा नंबर 7 में फिका का उसूल इस तरह लिखा है कि कानून बयान करता है कि जो भी कुरान की आयत वो हमारी मजहबी किताब फिका हनफी के खिलाफ नजर आए तो उसे ना मानो, और कहा जाएगा कि ये आयत मनसूख है इसलिए हमारे फुका ने उसे तस्लीम नहीं किया, या फिर ये कहा जाएगा कि ये आयत मरजू है, नाउजुबिल्ला सुम्मा नाउजुबिल्ला,
और दोबारा कानून में भाई ये लिखा हुआ है, कहता है कि जब कोई हदीस हमारे मजहब के उलट या खिलाफ अगर आ जाए तो कहा जाएगा कि ये हदीस मनसूख है और फिका हनफी को रद्द नहीं किया जाएगा, उसको मनसूख कहा जाएगा, बल्कि कहा जाएगा कि दूसरी हदीस इसके मुकाबले की है, इसलिए तो इसको छोड़ा गया है, उन्हें कोई दूसरी दलील मिली है, इसमें कोई ना कोई नुक्स है, बाकी फिका में कोई नुक्स नहीं। नाउजुबिल्ला सुम्मा नाउजुबिल्ला। तो ये तो मेरे भाई आपके हनफियों के उसूल हैं। और आपके मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब, ठीक है, वो अपनी किताब इख्तलाफ ए उम्मत और सिरात मुस्तकीम के सफा नंबर 29 पर इस अकीदे की तस्दीक करते हुए एक कदम और आगे बढ़ाते हुए लिखते हैं, मेरे लिए देवबंदी बरेलवी इख्तलाफ का लफ्ज ही हैरत है। आप सुन चुके हैं कि शिया सुन्नी इख्तलाफ तो साहबा किराम को मानने या ना मानने की मसाइल पर पैदा हुआ, और हनफी वहाबी इख्तलाफ आयमा हदी की पैरवी करने ना करने पर पैदा हुआ, लेकिन देवबंदी बरेलवी इख्तलाफ की कोई बुनियाद मेरे इल्म में नहीं है, इसलिए कि ये दोनों फरीक इमाम अबू हनीफा के ठेठ मुकल्लिद हैं। अकायद में दोनों फरीक इमाम अबू अल हसन अशरी और इमाम अबू मंसूर मातूरदी को इमाम व मुक्तदा मानते हैं। तसव्वुफ और सलूक में दोनों फरीक औलिया अल्लाह के चारों सिलसिले यानी कादरी, चिश्ती और नक्शबंदी और सहरवर्दी, ठीक, में बैत करते करवाते हैं, यानी हनफी हजरात अकीदे में मुकल्लिद हैं अबू हसन अशरी और अबू मंसूर मातूरदी के, और मसाइल में इमाम अबू हनीफा रहिमुल्ला के, और बरेलवी और देवबंदी में कोई फर्क खुद उनके उल्मा तस्लीम नहीं करते। तौबा तौबा तौबा। तो ये तो आपके मतलब गंदे उसूल थे जो मैंने आपको बता दिया, और आपके आलिमों के हिसाब से भाई ये हनफी जो हैं ये देवबंदी भी हैं बरेलवी भी हैं और दोनों में कोई फर्क नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अफू भाई मैं पूछ रहा था हदीस। अरे तो हदीस आपके लिए हुज्जत है, आपके लिए तो इमाम का कॉल हुज्जत है मेरे भाई, तो आप हदीस की कहाँ जा रहे हैं? आपके लिए तो हुज्जत है ना, वो हदीस बताइए। अच्छा बताइए हदीस के। अच्छा चलिए, आपको हदीस के बारे में हम शॉर्ट फॉर्म में हम आपको बता देते हैं, क्योंकि अगर पूरा हदीस हम बयान करना स्टार्ट करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई हम हदीसों के उसूल के ऊपर एक पूरा लेक्चर आपको दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल इतना मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। तो हदीस की जो मेरे भाई वो जो मतलब भाई किस्में होती हैं वो तीन टाइप की होती हैं, ठीक है। बेसिक जो इसकी भाई वो मतलब किस्में होती हैं वो तीन होती हैं, एक होता है कॉल, एक होता है फेल और एक होता है तकरीर, ठीक है। तो हदीस की जो अहमियत है वो कुरान की तरह हदीस भी वही है, आप समझ रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया और ना वो अपनी ख्वाहिश से कोई बात कहता है, वो तो सिर्फ वही कहता है जो उतारी जाती है, और ये उतरा हुआ है सूरे नजम की आयत नंबर 3 और 4 में। तो इससे हमें पता चला कि अल्लाह के नबी जो कुछ कहते हैं वो अल्लाह की तरफ से होता है, यानी कि हदीस भी एक वही है, ठीक है। और एक भाई सुन लीजिए, अगर बहस करना है तो मैं फोन काट दूंगा, अब सुनते रहिए, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हदीसों के उसूल आपको सिखाई दे रहा हूँ आज, आप समझ रहे हैं, ऐसी ऐसी इल्मी बात आपको बताऊंगा जो आपके आलिमों ने आपको नहीं बताया होगा। एक भाई हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, खबरदार, क्या फरमाया? खबरदार। हाँ अब आप भी हो जाइए भाई चुपचाप, खबरदार बिल्कुल, ठीक है। एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, खबरदार मुझे कुरान और उसके मिसल एक और चीज यानी हदीस भी दी गई है,
ठीक है, यह हदीस सही है, सही सही जामे असगीर हदीस नंबर 2643 में है, और अल्लाह की इताअत के साथ रसूल की इताअत का भी हुक्म है। अल्लाह सुबहान व तआला ने फरमाया कि ए ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो और रसूल का कहा मानो और अपने आमाल को गारत ना करो, सूरे मोहम्मद की आयत नंबर 33। तो हदीस के बगैर कुरान के भाई वो अहकाम को समझना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो हदीस है वो कुरान की तफसीर है। जैसा कुरान में नमाज, ज़कात और हज की अदायगी का ऑर्डर आया हुआ है, ठीक है, उसी तरीके से इनको कैसे फॉलो करना है, जैसे कि मतलब भाई वो नमाज की तादाद क्या है, रकात की, ज़कात का निसाब क्या है, और मतलब ये हज का तरीका क्या है, वजू कैसे करना है, गुस्ल कैसे करना है, सुन्नत तरीका क्या है, इसके लिए आपको हदीस पर जाना पड़ेगा। ठीक, और देखिए जो हदीस की मतलब जो भाई किताबें हैं वो आम तौर पे आप जानते होंगे भाई, वो कुतुबे, कितनी किताबें हैं भाई, किताबों के नाम बताने पे आ जाऊंगा तो अभी आप फोन काट के भाग जाओगे। बहुत सारी किताबें हैं, आपने नाम भी नहीं सुना होगा उसका, आपने तो खाली नाम सुना होगा भाई, ये जो कुतुबे सित्ता है उसका नाम आपने सुना होगा, ठीक है, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिर्मिजी और नसाई, इब्ने माजा, आपने इतनों के नाम सुना होगा, ठीक है। लेकिन हम आपको हदीस की किताब नहीं है क्या? नहीं, हदीस की किताब है, लेकिन सिर्फ इतनी ही किताब नहीं है, और भी बहुत सी भाई वो किताबें हदीस की हैं, सैकड़ों किताबें हैं जिसमें अल्लाह के नबी की सही हदीस मौजूद है। अब मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है भाई, कुतुब ए सबा, ठीक, यानी कि भाई ये कुतुब ए सबा क्या, यानी कि सात किताबें, ठीक। तो पहली किताब है भाई, वो जो पहली किताब है वो है मुसनद अहमद, ठीक, इसके जो तालिफ हैं उनका नाम है अबू अब्दुल्ला अहमद बिन मोहम्मद बिन हम्बल शैबानी, ठीक भाई, ये बगदाद में पैदा हुए थे और इनकी पैदाइश है 164 हिजरी की और आपकी वफात है 241 हिजरी की बगदाद के अंदर। और इस किताब में जो हदीस हैं वो हदीस टोटल भाई कितनी है, टोटल हदीसें हैं 27,617, ठीक, यानी कि 27617 इतनी हदीसें इस किताब में मौजूद हैं, ठीक है, मुसनद अहमद की है, जिसकी तहकीक शेख स्वैब अरनौत की भाई वो पैरवी में, निगरानी में पूरी हुई है, ठीक। और इसकी भाई ये खासियत क्या है, इसमें हर सहाबी की रिवायत अलग अलग जिक्र की गई है। दूसरी खासियत भाई इस किताब की क्या है कि हदीस का बहुत बड़ा जखीरा होने की वजह से लगभग हर टॉपिक से मुतालिक हदीस आपको इस किताब में आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। अब आपको बताते हैं दूसरी किताब है, दूसरी किताब तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल टॉप की बुक है, ठीक है, हर इंसान उसको जानता है, ठीक है, उस किताब का नाम है सही बुखारी और इसके जो तालिफ है, बुखारी, सही बुखारी, आपको आती है बुखारी भाई, अहले हदीस के बाप दादाओं की किताब है बुखारी मेरे भाई, मुकल्लिद अगर बुखारी पढ़ेगा तो उसको बुखार आ जाएगा। अब आप सुनते रहिए, टॉपिक चेंज करने की कोशिश ना कीजिए, बुखारी आप टॉपिक चेंज करने की भाई भाई एकदम कोशिश मत कीजिए, ठीक है, अभी थोड़ा आपको इल्मी बात बता रहे हैं, सुन लीजिए, वरना ऐसा इल्म आपको कोई देगा नहीं भाई। सही बुखारी इसके जो तालिफ है और इमाम बुखारी रहीमुल्लाह का पूरा नाम भी आपको बता दे रहे हैं ताकि आप उसको याद कर लें, अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी, और आपकी पैदाइश हुई थी बुखारा में 194 हिजरी में, और आपकी भाई वो जो इंतकाल हुआ था, वफात हुई थी, वो हुई थी 256 भाई वो हिजरी में समरकंद में। अब इस किताब में देखते हैं क्या क्या है, इस किताब में जो भाई वो जो हदीसें हैं टोटल, ठीक है, वो आपको बता देता हूँ, ठीक है, मौसूल मारूफ रिवायतों की तादाद, ठीक है, वो मतलब बार बार आई हुई है, रिपीट हुई है, ठीक है, यानी कि भाई वो रिपीट होने के साथ साथ जो इसकी तादाद है वो है 7,300
97, यानी कि 7397। और जो भाई वो जो मतलब वो सिंगल हदीसें आई हुई हैं बगैर मतलब भाई वो डबल के रिपीट के, वो हैं 2602 हदीस, ठीक। और इस पर इंटरनेशनल जो भाई वो नंबरिंग हुई है वो 7536 तादाद हैं। और इसकी जो खासियत है, इसकी पहली खासियत ये है कि इस किताब को कुरान के बाद हदीस की सबसे सही किताब होने का शर्फ हासिल है। और इसकी दूसरी खासियत ये है कि इसकी सब हदीसें सही हैं। और तीसरी इसकी भाई ये जो मतलब खासियत है वो ये है कि ये जामे किताब है, इसमें तकरीबन जिंदगी के हर शोबे से मुतालिक हदीस इकट्ठा की गई है। अब आते हैं तीसरी किताब के ऊपर जो है सही मुस्लिम। इसके जो तालिफ हैं उनका नाम है अबू हुसैन बिन हज्जाज अल कुरैशी। और आपकी पैदाइश हुई थी 204 बाई वो हिजरी में नेशपुर, और आपकी वफात हुई थी 261 हिजरी में नेशपुर में ही। और इसमें जो नंबर ऑफ हदीस हैं यानी कि हदीसों की तादाद हैं वो है 30033, यानी कि 3033, ठीक। और इसमें मुकर्रात समेत 7563 भाई इंटरनेशनल भाई वो नंबरिंग के हिसाब से हदीसें आई हैं। और इस हदीसों की जो खासियत है इस किताब में, जो सबसे अच्छी खासियत है वो ये है, पहली खासियत ये है कि इस किताब को कुरान के बाद हदीस की दूसरी सबसे सही किताब होने का शर्फ हासिल है। और इसकी दूसरी खासियत ये है कि इसकी भी सब हदीसें सही हैं। और तीसरी खासियत इसकी ये है कि इसमें करीबुल माना और मिलती जुलती भाई वो हदीसों को एक जगह पर इकट्ठा किया गया है। आप समझ रहे हैं? और सुनन अबू दाऊद में है, ठीक है। अब आते हैं चौथी भाई, आपको बताते हैं किताब। चौथी हदीस है सुनन अबू दाऊद। अब उसके ऊपर आते हैं, इनके जो तालिफ हैं उनका नाम है अबू दाऊद सुलेमान बिन हशास अल जिस्तानी, ठीक। और इनकी जो पैदाइश है वो 202 हिजरी में सजिस्तान में हुई, और आपकी जो वफात थी वो 275 भाई वो हिजरी में हुई थी बसरा में। और इसमें जो हदीसें हैं इंटरनेशनल भाई वो नंबरिंग के हिसाब से वो है 5274, यानी कि 5274। और इसकी जो खासियत है, पहली खासियत इसकी ये है कि ये किताब फिकी तरतीब पर मुस्तमिल है। और इसकी दूसरी खासियत ये है कि हर हदीस बयान करने के बाद उसका दर्जा सही, हसन, ज़ईफ़, गरीब मतलब क्या है वो भी बयान किया गया है। और इसमें ज़ईफ़ जो हदीसें हैं वो भी मौजूद हैं, ठीक। अब आते हैं पांचवी मेरे भाई किताब के बारे में आपको जानकारी दे दें, जामे तिर्मिदी। इसके जो तालिफ है उनका नाम है अबू ईसा मोहम्मद ईसा अत तिर्मिदी। और इनका जो भाई जो पैदाइश हुई थी वो 209 हिजरी में हुई थी, और जो मतलब इंतकाल हुआ था, वफात हुई थी वो 279 हिजरी में हुई थी तिर्मिदी में। और इसमें जो भाई वो नंबर्स ऑफ जो हदीस हैं, यानी कि टोटल जो इसमें हदीस हैं इंटरनेशनल नंबरिंग के हिसाब से वो है 3959, यानी कि 3959। और इसकी जो खासियत है, इसकी खासियत है कि ये किताब फिकी बातों पर भाई वो है मुस्तमिल है। आप समझ रहे हैं? ये किताब फिकी बातों पर भाई ये मुस्तमिल की गई है। और इसकी दूसरी मतलब खासियत है कि हर हदीस बयान करने के बाद उसका दर्जा सही, हसन, ज़ईफ, गरीब, ठीक है भाई, ये भी बयान कर दिया गया है। और तीसरी खासियत ये है कि इख्तलाफी जो मसाइल थे सहाबा में, सहाबा व ताबईन में उल्मा व फुका के कौल भी नकल किए गए हैं इसमें, ठीक है। अब आते हैं भाई छठी किताब की इंफॉर्मेशन आपको देते हैं, वो है सुनन निसाई, ठीक है। नाम सुना है कि नहीं इन सब किताबों का? हाँ सुना है,
हाँ तो आज सुन लीजिए, आज आज इनके अंदर की जानकारी आप ले लीजिए। अभी तो खाली नाम ही सुना होगा, कभी खोल के नहीं देखी होगी। अब सुन लीजिए, इसका जो भाई जो नाम है किताब का वो है सुनन अन नसाई, ठीक। और इसके जो तालिफ है उनका नाम है अबू अब्दुल रहमान अहमद बिन शुएब अन निसाई, ठीक। और इनकी जो पैदाइश है भाई वो निसाई एक शहर है, ठीक है, उसके मतलब भाई वो खुराशन शहर में 215 हिजरी में, और वफात हुई थी 303 हिजरी में। और वफात जहाँ भाई वो हुई थी वो उस जगह का नाम था मक्का। अब इसमें नंबर ऑफ हदीस कितनी है, इंटरनेशनल नंबरिंग के हिसाब से 5761 यानी कि 5761 इसमें हदीस है। अब इसकी इसकी खासियत क्या है आप इसको जान लीजिए। इमाम नसाई ने पहले असुन्नल कुबरा मुतरब की, जिसमें सही व सिकम हर तरह की रिवायत मौजूद हैं। फिर उसका इक्तिशार किया, सिर्फ सही हदीस को अलग कर दिया और उसका नाम असुन्नल सुगरा अल मुसमा बिही अल मुजतबा रख दिया। लेकिन अब भी इसमें जईफ हदीस मौजूद हैं, इसमें सबसे कम जईफ रिवायत हैं। अब आते हैं सातवीं भाई किताब पे, सुनन इब्ने माजा। इसके जो तालिफ हैं उनका नाम है अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन यजीद इब्ने अल खजवीनी, और इनकी जो पैदाइश है वो हुई थी 209 हिजरी में और वफात हुई थी 273 हिजरी में। इसमें नंबर ऑफ जो हदीस है यानी कि टोटल जो भाई वो हदीसों की जो संख्या है वो है 4341 यानी कि 4341, ठीक। और इसकी जो खासियत है, पहली खासियत ये है, इसमें वो हदीसें हैं जो दूसरे कुतुब में नहीं है और इसमें रिपीटेड हदीस नहीं है। और तीसरी खासियत इसकी ये है कि इसमें तर्तीब फिकी अबवाब पर मुस्तमिल है, ठीक। और जानना है ये किताबों के बारे में, ये इतना बहुत है। पूरा और किताब है इतनी या किताब हदीस? नहीं, और मैं आपको मेरे भाई किताबों के नाम खाली बता देता हूँ, बाकी उसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो दोबारा फोन कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारी किताबें हैं, जैसे भाई ये क्या बोलते हैं, ये सुनन दार कुतनी हो गया, और सुनन दारमी हो गया, और सुनन सईद बिन मंसूर हो गया, ठीक, और असुनन अल कुबरा हो गया, असुनन अल कुबरा लिल बहकी हो गया, और वो शुबूल ईमान लिल बहकी हो गया, और वो कशफुल इस्तार लिल बज्जार हो गया, और सही इब्ने खुजैमा हो गया, और ये सही इब्ने हब्बान हो गया, और ये क्या बोलते हैं मुसनद शाफई हो गया, मुसनद अबू याला हो गया, मुसनद अब्द बिन हमीद हो गया, ठीक है, और ये मुसनद हुमैदी हो गया, ठीक है, और ये और मतलब बहुत सारी किताबें हैं, जैसे मतलब ये गालिबन ये मुसन्नफ अब्दुल रज्जाक हो गया, मुसन्नफ इब्ने अभी शैबा हो गया, और ये मुस्तदरक लिल हाकिम हो गया, ठीक है, और वो रियादुस सालिहीन हो गया, और अतरगीब लिल मंजूरी हो गया, ठीक है, सिलसिला सैया लिल अलबानी हो गया। बहुत सारी किताबें हैं, आप समझ रहे हैं। हाँ अब हदीस और फिका की जो मतलब भाई वो इस्तलाहात हैं वो मतलब बहुत ज्यादा हैं, जैसे भाई वो ये इज्तिहाद हो गया, इजमा हो गया, अहद हो गया, जामे हो गया, हदीस हो गया, सही हो गया, हसन हो गया, साज हो गया, जईफ हो गया, मरफू हो गया, मुतवातिर हो गया, मौकुफ हो गया, ठीक है, मक्तू हो गया, और ये मौजू हो गया, मुरसल हो गया, ठीक है, मौलक हो गया, ठीक है, और वो
और भी बहुत सारे मतलब उसूल हैं, जैसे वो मुंतका हो गया, मतरूक हो गया, मुनकर हो गया, और वो तादील हो गया, जरा हो गया, सनद हो गया, मतन हो गया, राजे हो गया। आप समझ रहे हैं? हाँ तो हदीस का शॉर्ट फॉर्म मैं आपको बता दे रहे हैं, मरफू हदीस, मौकूफ हदीस, ठीक है, और वो अहद और वो मुतावातिर। तो मरफू हदीस क्या होती है? ठीक है भाई, वो जिस हदीस में सहाबी रसूल अल्लाह का नाम लेकर हदीस बयान करे उस हदीस को बोलते हैं मरफू हदीस, और मौकूफ हदीस उसको बोलते हैं जिस हदीस में सहाबी रसूल अल्लाह का नाम लिए बगैर हदीस बयान करता है। ठीक है, हाँ अहद अहद होता है कि जिस हदीस में रावी तादाद में मुतावातिर हदीस के रावियों से काम हो। ठीक, हाँ मुतावातिर क्या होता है? जिस हदीस के रावी हर जमाने में इतने हो कि उनका झूठ पर इकट्ठा होना इम्पॉसिबल हो। ठीक है, तो हाँ ये सब बहुत सारी हदीस है। सही हदीस क्या होती है भाई? वो जिस हदीस का रावी मतलब वो सिका हो, परहेजगार हो और काबिले वो एतबार हो, और उसका हाफिजा मतलब सही हो, सनद उसकी भाई वो एकदम मतलब एकदम सीधी हो, मुतसिल हो, उस हदीस को सही बोलते हैं। हाँ और वो जो हसन हदीस होती है, हसन जो हदीस होती है उसको बोलते हैं वो जिस हदीस के रावी सही हदीस के रावियों के निस्बत हाफिजे में कम हो, बाकी सारी जो मतलब कंडीशन है वो बिल्कुल सही हदीस वाली हो, तो वो भाई वो हो जाएगी हसन हदीस। आप समझ रहे हैं? हाँ अब सही हदीस होने के भी 7 भाई वो दर्जे हैं। आप समझ रहे हैं? हाँ अब जैसे पहला दर्जा ये है कि जिस हदीस को बुखारी और मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया हो, ठीक है, उसको बोलते हैं, उसको अरबी में बोलते हैं मुत्तफिक अलैह। ठीक, हाँ दर्जा दूसरा इसका ये है कि जिसको सिर्फ इमाम बुखारी ने बयान किया हो। दर्जा 3 होता है कि जिसको सिर्फ इमाम मुस्लिम ने बयान किया हो। दर्जा 4 होता है कि जिसको बुखारी और मुस्लिम की शराइत के मुताबिक किसी भी दूसरे मुहद्दिसीन ने भाई वो जमा किया हो, बयान किया हो, नकल किया हो, रिवायत किया हो। ठीक है, दर्जा 5 होता है कि जिसको सिर्फ बुखारी के शराइत के मुताबिक किसी दूसरे मुहद्दिसीन ने रिवायत की हो। दर्जा 6 होता है कि जिसको सिर्फ मुस्लिम के शराइत के मुताबिक दूसरे मुहद्दिसीन रिवायत की हो। दर्जा 7 होता है कि जिसको सिर्फ मुस्लिम के शराइत के मुताबिक किसी दूसरे मुहद्दिसीन ने सही समझा हो। आप समझ रहे हैं? हाँ अब ज़ईफ़ हदीस में भी मेरे भाई बहुत सारे हैं। ठीक है, जैसे भाई वो मौलिक हो गया, और ये वो मुनकता हो गया, मुरसल हो गया, ठीक है, मुअदाल हो हाँ गया, मौजू हो गया, मतरूक हो गया, साज हो गया। आप समझ रहे हैं? हाँ हाँ तो अब बताइए ईमानदारी से, इतनी सारी जानकारी आज तक आपके किसी आलिम ने आपको दी? नहीं भाई, मैं यही बात बोल रहा हूँ। आप इतने हदीसों के बारे में बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था। आप आलिम हो क्या? पहली बात बताइए, आप आलिम हो? भाई मैं अहले हदीस आलमी दीन के सामने मैं तालबे इल्म हूँ, और मैं जाहिल मुकल्लिद के सामने मैं अल्हम्दुलिल्लाह आलिम हूँ, इल्म वाला हूँ। नहीं लेकिन मेरा अगर आप भाई, कहेंगे मैं मदरसे से पढ़े सुनो हुए सुनो हो, तो भाई सुनो मैं मदरसे का पढ़ा हुआ भाई मैं आलिम नहीं हूँ। मुझे अल्लाह के नबी ने सनद दी थी कि अगर तुम्हें एक आयत भी मालूम हो तो उसको लोगों तक पहुँचा दो। तो मेरे को जितना मालूम था मैंने भाई पूरी पहुँचाने की कोशिश की है। नहीं मेरे भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ मालूम? देवबंदियों को पीछे क्यों लगना है? मोहम्मद की नमाज पढ़ो, वो नमाज पढ़ो, ये नमाज पढ़ो, ये इतना गलत है, वो ज़ईफ़ हदीस है, वो इसी है इसी है। हमारे बुजुर्गों से अरे समझ मेरे आया है भाई, ये सब? अल्लाह के नबी ने फरमाया उस हमारे तरह पीछे क्यों नमाज पड़े पढ़ो हो? जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखते हो, सही बुखारी हदीस हाँ नंबर 604। तो जब अल्लाह के नबी कह रहे हैं उस तरह नमाज पढ़ो जैसे मैंने पढ़ी है, तो अगर कोई देवबंदी है, बरेलवी है, मैंने उससे बोल दिया भाई आप कैसे नमाज पढ़ रहे हैं, आप कैसे हनफी मसलक की नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह के नबी की तरह नमाज पढ़ो, तो मैंने कौन सा उसको गाली दे दिया, कौन सी उसकी जान हमने ले ली, क्या मैंने उसका कर लिया? आप बताओ। नहीं मेरे भाई, वो हमारा अकीदा हमारे साथ,
तो आपका अकीदा है तो आप अपने तक रखिए ना, जो लोग मोहम्मदी नमाज पढ़ते हैं उस तरह नमाज पढ़ते हैं जैसे अल्लाह के नबी ने पढ़ा है, तो आप उनके ऊपर तानाशाही क्यों करते हैं कि हाँ सीने पे हाथ बांधना साबित करो, रफा दैन मनसूख हो गया है, आमीन जोर से बोलने वाले को मस्जिद में नहीं आने देंगे, जो अत्तयात के वक्त कायदे में बैठ के उंगली को हरकत देगा उसकी उंगली काट देंगे, तो ये सब क्या है? जब हमारे पीछे पड़ोगे तो हम तो बताएंगे ना सच्चाई क्या है। नहीं मेरे भाई, अल्लाह के नबी को अपने नमाज पढ़ते हुए देखा क्या? अरे अगर हमने देखा होता तो हम सहाबी ना हो जाते, और अगर सहाबी हो जाते तो आप ऐसे जाहिलों से बात कर रहे होते? आपकी तो गर्दन काट के फेंक देनी चाहिए थी कि आपने इतना बेकार सवाल पूछा है। अरे भाई अल्लाह के नबी कह रहे हैं उस तरह नमाज पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखते हो, सहाबा ने देखा और सब कुछ हदीसों में आ गया है कि अल्लाह के नबी जब नमाज पढ़ते तो ऐसे करते ऐसे करते ऐसे करते, तो मेरे भाई वही तो देखना है भाई। नमाज को देखने का मकसद क्या है कि हदीस में देखें कि क्या आया है, इसके लिए मतलब वो जरूरी नहीं है कि अल्लाह के नबी को हम सामने खड़ा करके कहें कि हाँ नबी नमाज पढ़ो हम देख रहे हैं। अजीब पागलों वाली बात करते हो मेरे भाई। नहीं हमारे बुजुर्गों में गलत पढ़ा गया नमाज। अरे आपके बुजुर्ग मेरे लिए नमूना नहीं है भाई। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि भाई वो नबी जो तुमको दे उसको ले लो, जिससे रोके उससे रुक जाओ। तो नबी ने हमको भाई जो दे दिया है वो क्या दिया है कि उस तरह नमाज पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखते हो। तो मैं आज की तारीख में अगर मुझे अल्लाह की इबादत करना है तो मुझे अल्लाह के नबी के तरीके से भाई इबादत करना है। मुझे वली बुजुर्ग पीर बाबा औलिया काबिर मुझे इनसे लेना देना नहीं है। अगर इनका तरीका अल्लाह के नबी के भाई तरीके से साबित है तो अल्हम्दुलिल्लाह बेशक वो सही है, और अगर नबी से हट के तरीके पे अमल कर रहे हैं तो वो गलत है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो मेरे माँ बाप क्यों ना हो। नहीं मेरे भाई, जो किताबें के बारे में जिक्र किया, क्या पूरी नमाज अल्लाह के नबी के तरीके की पूरी नमाज इन हदीसों में मिलेगी क्या? अरे मेरे भाई आप हमें दोबारा फोन करिएगा, ठीक है? मेरा भाई वो यूट्यूब के ऊपर वीडियो पड़ा हुआ है अफू खान कॉलिंग दावा एंड इस्ला, इसके ऊपर जाके मेरे भाई आप देख लीजिएगा। मेरी एक हनफी से बात हुई थी, वो इमाम अबू हनीफा रहमुल्ला से सही सनद के साथ दो रकात नमाज साबित भाई नहीं कर पाया, और मैंने भाई अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और सही हदीस की रोशनी में मैंने भाई दो रकात नमाज को बिल्कुल साबित कर दिया एकदम सही भाई वो हदीसों के हवालों के साथ और हदीस नंबरों के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नमाज साबित है भाई, हमें कोई डर नहीं है। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप इमाम अबू हनीफा रहमुल्ला से सही सनद से दो रकात नमाज, ये तो छोड़ो ये तो बहुत दूर की बात है, जो नियत आप लोग करते हो 5 मिनट की कि मैं नियत करता हूँ दो रकात फर्ज वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबे शरीफ थे पीछे से इमाम के, इस अल्फाज को आप इमाम अबू हनीफा रहमुल्ला से साबित कर दो, तो इंशाल्लाह मैं 100 लोगों को साथ में लेके हनफी बनने के लिए तैयार हूँ। इसमें गलत क्या है? मेरा काबे शरीफ पीछे बोलना बिल्कुल गलत है, जो अल्लाह के नबी ने नहीं किया वो अगर आप करोगे तो गलत है। अल्लाह के नबी ने भाई जोहर की 4 रकात फर्ज पढ़ी है, अब अगर हम आके 6 रकात फर्ज पढ़ने लगेंगे और भाई आप अगर हमसे आके कहोगे ये क्या फू भाई, अल्लाह के नबी ने तो 4 रकात पढ़ी थी आप 6 क्यों पढ़ लो, तो अगर पलट के मैंने बोल दिया कि यार हम तो ज्यादा नमाज पढ़ रहे हैं ज्यादा सवाब मिलेगा इसमें गलत क्या है, तो फिर आप क्या जवाब दोगे? भाई जो नबी से साबित नहीं है वो नहीं है, उसमें अपनी अकल हम नहीं डाल सकते। नियत जो होता है वो दिल का भाई फैसला होता है, और जो जबान से इंसान करता है वो कॉल होता है, और कभी अल्लाह के नबी ने या सहाबा ने कभी नमाज पढ़ने से पहले ये नहीं कहा कि मैं नियत करता हूँ वास्ते अल्लाह ताला के रुक मेरा काबे शरीफ तेरा पीछे इमाम के अल्लाहू अकबर, कभी नहीं कहा। और ये बताइए मस्जिद अगर भाई वो मतलब भाई वो नीचे का फ्लोर पूरा भाई वो फुल हो गया है और ऊपर हम जाके नमाज पढ़े तो क्या नियत में हम कहेंगे कि ऊपर इस इमाम के, और अगर हम तीसरी मंजिल पे होंगे तो कहेंगे क्या तीसरी मंजिल पे भाई हम इस इमाम के पीछे? हद है मेरे भाई, ये अल्फाज मेरे भाई कुछ नहीं है। जबान से भाई ये नियत के अल्फाज अदा करना ये बिदात है, ये तो आपकी हनफी फिका में आया हुआ है भाई। इसीलिए मैं कहता हूँ पढ़िए तहकीक कीजिए, जब तक पढ़ेंगे नहीं आपके नहीं समझ में आने वाला मेरे भाई। नहीं मेरे भाई एक बात बताइए, आप कसम खा के बताना पड़ेगा, कसम खाना पड़ेगा आप आलिम हो के नहीं हुँ?
कसम खा के बताइए, आप आलिम है ना? हाँ, मैं अल्लाह सुबहानो ताला की भाई कसम खाता हूँ कि मैं मदरसे में 7 साल मुंडी हिला के तकलीद सीखने वाला मैं आलिम नहीं हूँ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान हदीस का गहरा इल्म हासिल किया है, मैं इल्म वाला हूँ, इस माने में मैं आलिम हूँ। अपने आलिमों के सामने मैं तालिबे इल्म हूँ, और हनफी आलिमों के सामने और जो हनफी मुकल्लिद हैं उनके सामने मैं अल्हम्दुलिल्लाह आलिम का भी आलिम हूँ। अलीदिशों के अंदर ये ट्रेनिंग दी जाती है क्या? क्या ये ट्रेनिंग दी जाती है क्या देवबंद से बात इस तरह करे क्या? भाई देवबंद वाले ने तो भाई इतनी उनकी मतलब जल गई है अहले हदीसों से कि कितने देवबंदी लोग कुरान हदीस को देख के हक पे आ रहे थे। अहले सुन्नत वल जमात असाबुल भाई हदीस का जो वो तरीका था मनज था उसको अपना रहे थे, तो देवबंदी जब भाई कम होने लगे तो देवबंद वालों ने एक चाल सोची। अब वो देवबंद में 1 साल का कोर्स करवा रहे हैं, एक्स्ट्रा कोर्स रद्दे गैर वो हाँ रद्दे गैर मुकल्लिदियत, यानी कि वो एक कोर्स करवा रहे हैं। तो कोर्स तो आपके वहाँ हो रहा है, आपके वहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है कि अगर अहले हदीस ऐसा बोले तो दूसरी हदीस से उसकी बात को काट दो, अहले हदीस अगर कुरान की आयत पेश करे तो दूसरी कुरान की आयत से उसको काट दो। तो आपके वहाँ तो मंतिक का यह सिखाया जा रहा है, हम लोग तो सीधी बात करते हैं भाई, हमारा काम है पैगाम पहुँचाना, मनवाना नहीं है, ठीक है? और ना ही हम दीन के ठेकेदार हैं, ना ही अल्लाह ने हमको दरोगा भाई हमको बना के भेजा है कि हम आप लोग के ऊपर दीन थोपें, ठीक है? अल्लाह सुबहान व तआला फरमाता है दीन में कोई जोर और जबरदस्ती नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया है, आपको मानना है तो मानिए, नहीं मानना है ना मानिए। आखिरत में कम से कम मेरी तो पकड़ भाई नहीं होगी, मैं कह दूंगा कि मैंने भाई को बता दिया था। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह भाई हम नमाज का टाइम हो रहा है, इंशाल्लाह आपसे बाद में बात करते हैं, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है, मैं सुबह में फोन करूंगा। लो हाँ भाई, थोड़ी तहकीक कीजिए मेरे भाई, ये अंधी तकलीफ का भाई चश्मा उतारिए, और दीन इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, बस थोड़ी सी मेहनत आपको करना है, बस जितनी मेहनत आप अपने गलत मसले को भाई सही साबित करने के लिए कर रहे हैं, अगर इसकी आधी मेहनत भी अगर सही मसले तक पहुंचने के लिए आप करेंगे ना, तो हो सकता है भाई अल्लाह सुबहान व तआला आपको हिदायत दे दे, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।